हेलो नमस्कार, स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल श्रीवास्तव। तो आईपीएल के बाद अब डब्ल्यूटीसी फाइनल भी खत्म हो चुका है और इसी के साथ टीम इंडिया एक महीने की छुट्टी पर है। जी हां, डब्ल्यूटीसी फाइनल में हार के बाद अब टीम इंडिया एक महीने आराम करेगी। भले ही टीम इंडिया आराम करेगी मगर फाइनल की हार से सभी का दिल टूटा हुआ है। टीम भी काफी निराश है मगर वो हार कर बैठने वाली नहीं है, वो फिर से एक बार जो है खड़ी होगी और नए सफर के लिए शुरुआत करेगी। तो कैसा रहेगा नया सफर, एक रिपोर्ट देखिए। डब्ल्यूटीसी के फाइनल में हार के बाद अब एक महीने आराम करेगी टीम इंडिया। आराम की जरूरत है भी टीम इंडिया को, क्योंकि आईपीएल में दो महीने लगातार क्रिकेट खेलने के बाद थक चुकी है टीम इंडिया। इसका नतीजा हमें डब्ल्यूटीसी फाइनल मैच में देखने को मिला है। 5 दिन के टेस्ट मैच में टीम इंडिया पहले दिन में ही थकी हुई नजर आ रही थी। थकान ऐसी कि 2 साल से जिस मिशन पर टीम इंडिया लगी हुई थी उस मिशन में हार हुई और हार का सबसे बड़ा कारण रहा थकान। और अब एक महीना टीम इंडिया के लिए आराम वाला होगा, लेकिन इस आराम के बाद जब भारतीय खिलाड़ी काम पर लौटेंगे तो सामने वेस्ट इंडीज का दौरा होगा। इसी दौरे से उनके एक और व्यस्त शेड्यूल की शुरुआत हो जाएगी। भारत का वेस्ट इंडीज दौरा 12 जुलाई से शुरू होगा। इस दौरे पर 2 टेस्ट 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। वेस्ट इंडीज से 2 टेस्ट मैच अगर जीत भी गए तो कुछ नहीं होगा, ये बातें कही हैं फाइनल में हार के बाद सुनील गावस्कर ने। उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया बड़े मुकाबले हार जाती है और कमजोर टीम के सामने बड़ी जीत दर्ज करती है, जिससे उनके क्रिकेट स्किल्स का पता चलता है। खैर, क्रिकेट में हार और जीत तो लगी रहती है मगर सच है कि बार बार हार टीम इंडिया और BCCI पर कई सवाल खड़े करता है। खैर, अब टीम इंडिया को आगे इस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत 12 जुलाई से वेस्ट इंडीज के दौरे पर आएगी। भारत के दौरा अहम होगा क्योंकि यहां से एक नए सफर की शुरुआत होगी। सफर फिर वही डब्ल्यूटीसी में चैंपियन बनने का होगा। अब देखना होगा कि ऐतिहासिक मैच के लिए टीम इंडिया कितनी तैयार होकर आती है। स्पोर्ट्स डेस्क, IBC 24। और अब बात पाकिस्तान क्रिकेट की कर लेते हैं। तो वनडे का वर्ल्ड कप करीब है और पाकिस्तान के पास उससे ठीक पहले कोई भी वनडे सीरीज नहीं है, कोई भी बायलैटरल या ट्राई सीरीज नहीं है जिसके जरिए वो अपनी तैयारियों को अंजाम दे सके। ऐसे में वो दर दर भटक रहा है। दर दर इसलिए भटक रहा है क्योंकि इसको एक मैच मिल जाए, कभी इस देश तो कभी उस देश के पास वो जा रहा है, क्रिकेट बोर्ड के पास वो जा रहा है। लगातार पाकिस्तान बोर्ड जो है वो संपर्क साध रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के बोर्ड से कि भाई मैच करवा लीजिए, वर्ल्ड कप आ रहा है, मगर कोई बायलैटरल सीरीज जो है वर्ल्ड कप से पहले नहीं है। तो मुसीबत में इस समय पाकिस्तान है क्योंकि अक्टूबर नवंबर में भारतीय ज़मीन पर वर्ल्ड कप होना है और जहां दूसरी तरफ भारत के बहुत सारे मैच है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सीरीज ही नहीं है उससे पहले कि वो ODI मैच खेल सके जिससे उसकी तैयारियों को अंजाम मिले। क्योंकि लोकल सीरीज तो बहुत सारी है पाकिस्तान के पास मगर इंटरनेशनल लेवल पर एक भी वनडे मैच, एक भी वनडे सीरीज नहीं है, ना ट्राइंगल सीरीज है, कुछ भी नहीं। एशिया कप पर भी लगातार जो है वो T20 सीरीज है जिस पर तलवार भी लटकी हुई है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है कि कैसे वो तैयारी करेगा। अगर वर्ल्ड कप से पहले अगर वो मैच नहीं खेलेगा किसी के साथ तो उसके प्लेयर्स वो परफेक्ट 11 कैसे निकल कर आएगी। भारतीय क्रिकेटर्स को विदेशी लीग में खेलने की इजाजत BCCI से नहीं मिलती है। अगर किसी खिलाड़ी को बाहर खेलना है तो भारत में सभी फॉर्मेट से संन्यास लेना पड़ता है। ऐसा पहले कई क्रिकेटर्स कर भी चुके हैं लेकिन अब टीम इंडिया और CSK में CSK के लिए लंबे समय तक कमाल का प्रदर्शन करने वाले सुरेश रैना ने विदेशी लीग में खेलने का फैसला कर लिया है। सुरेश रैना का नाम लंका प्रीमियर लीग 2023 की खिलाड़ियों की नीलामी की सूची में शामिल है। खिलाड़ियों की नीलामी 14 जून को होगी, मतलब कल होने वाली है। श्रीलंका क्रिकेट ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेटरों की सूची जारी की है जो 31 जुलाई से शुरू होने वाला है। मतलब 31 जुलाई से जो है श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग शुरू होगा जिसके लिए नीलामी में सुरेश रैना का नाम है। और CSK के लिए हमने देखा है कि किस तरीके से वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तबाही मचाए हैं और अब रैना जो है इस साल तो CSK के लिए नहीं खेल पाए मगर अब लंका प्रीमियर लीग में वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि क्रिकेट से वो बहुत दिन से दूर है। मतलब मैदान में एक तरीके से वापसी होगी और सुरेश रैना के फैंस के लिए ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि सुरेश रैना अभी भी 36 साल के हैं वो और जिस लय में वो खेलते हैं, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी अच्छी करते हैं, दोनों मज़ा आएगा। मतलब लंका प्रीमियर लीग को भी अब भारतीय फैंस देखेंगे क्योंकि सुरेश रैना जब खेलते हैं तो उनके बहुत फैंस हैं, बहुत चाहने वाले हैं जो उनको खेलना देखना चाहते हैं।
और इसी के साथ स्पोर्ट्स अड्डा में बस इतना ही, आगे देखिए बिग न्यूज़। नमस्कार।